हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। तू अपने बाप पे फेथ रख। I will manage। तू मेरे बारे में एक्सपर्ट नहीं है। बट मैं इतना जानता हूँ कि जानू नेहा बिकॉज़ वो नेहा ना चाहती। You don't teach me how to raise my own daughter। Okay, I won't teach you to raise your own daughter, but see you at 8, don't be late। Apparently मेरी मॉम बहुत उदास थी, लोनली थी, इसलिए मेरा आना बहुत जरूरी था। पर आप तो ठीक ठाक लग रही हैं। वो जानती है कि तुमने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा है because you wanted to be alone with your girlfriend। जहान, जानू, जहान आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लकी हो तुम, at least तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए लड़ तो रहे। जहान, I love you। बस अब से तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं है। कुछ इस तरह बढ़ता चला। ये पल हसीन बाट ले कुछ इस तरह। हाय, आप लोग न्यूयॉर्क पहुंच गए? What the hell? तुम बच्चों को लेने नहीं आए? एक मिनट, आप लोग गए नहीं? अभी के अभी यहाँ पहुंचो। माय, नाना नानी को तूने बताया हमारे प्लान के बारे में? हाँ रे, I'm sorry actually मुझे नहीं। How dare you against me? क्योंकि मुझे मुंबई जाना है। दिमाग खराब है तेरा? Guys, why to push it up please? We'll sort this till now. देख पहली बार ओजे जिंदगी में अक्कल की बात कर रहा है, सुन ले। हाँ, हम आपस में क्यों झगड़ा करेंगे? अरे 3 महीने की बात है, कौन सा कोई पहाड़ टूट जाएगा? तू समझ क्यों नहीं रही है? जो आदमी एक दिन में हम तीनों को अलग कर सकता है, वो 3 महीने में क्या क्या कर लेगा? देखो, तुम दोनों को जाना है तो जाओ, I'm not coming. Okay, stop. Come back. He's upset. Okay, listen. जब उसकी फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी ना, तब उसकी रियलाइजेशन स्टार्ट होगी कि वो मैं डैड के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। आरी रुक जा बेटा, आरी। चीज ऑमलेट में टमाटर और धनिया कौन डालता है? तो जाकर खुद बनवा लो, अब तुम बड़ी हो गई हो। एडवेंचर पार्क चले, बहुत मजा आएगा। नहीं, मेरे प्रायर प्लान्स हैं। प्लान्स यहाँ? हाँ, एक फ्रेंड से मिलने जा रही। मुंबई में मैं तुम्हें सोसाइटी के गेट के बाहर नहीं जाने देती, तुम यहाँ फ्रेंड से मिलने जा रही हो?
बच्चे ऐसे बाहर भटकते नहीं बेटा। मॉम यार आप डिसाइड कर लो, बच्ची के बड़ी, यू आर सो कंफ्यूज्ड। जानते हो? नहीं, एक्चुअली कल एडवेंचर पार्क में मिले थे ये अपने बच्चों। हाय गर्ल, जानू राइट? हाय अंकल, आई एम जहान। ओके, नाइस टू मीट यू। एनीबडी सिटिंग हियर? बैठ जाओ। या श्योर, व्हाई डोंट यू? थैंक यू। कैसी हो तुम? अच्छा ओके बाय, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? आई एम गोइंग मॉम, आई एम गोइंग गोइंग। जानू यू विल बी ग्राउंडेड। ओह मां, पहले क्राइम तो करने दो फिर पनिशमेंट दे देना। एक काम करो, आप ना मेरा लोकेशन ट्रैक कर लो, पास के बाबास कैफे में ही तो जा रही हूँ। स्मार्ट गर्ल, मतलब फोन तो तुम ट्रैक कर लोगी बट ओनर फोन के साथ है। थैंक यू अंकल, मेरी पीटी झूठ नहीं बोलती। सी मम्मा लव्स मी एंड ट्रस्ट मी। अच्छा ओके बाय, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। जहान, नए शहर में बच्ची है वो। कल भी तो बच्ची थी ना, अपसेट थी, वापस आ गई राइट। और वैसे टीनेजर्स वैसे सेल्फिश होते ही हैं, पैसा खत्म हो जाएगा दौड़ के आएगी तुम्हारे पास। एंड व्हिच इज राइट, 2 किलोमीटर की दूरी पे बाबास कैफे। एंड गेस व्हाट, द ओनर इज माय फ्रेंड। मैं उसको फोन करके बोलूंगा कि इस पे ध्यान दे। इतने स्मार्ट लगते नहीं हो। स्कूल में पढ़ती है ना, मैं इसका प्रिंसिपल है। बिल्कुल, चोरी चोर को पहचान सकता है। एब्सोल्युटली। चलें, क्यों तुम बिजी हो? नहीं ना, तो चलो, क्योंकि कल के बाद मेरी आजादी 3 महीने के लिए खत्म हो गई है। एंड आई वांट टू हैव फन टुनाइट। चलो तो यू गो एंड हैव फन, मुझे बहुत काम है, मुझे अपनी बेटी के लिए टैलेंट बनाना है। अरे सुपर्ब आईडिया, आई लव इटैलियन, मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड इटैलियन थी। एक्चुअली मूड बदल गया, मैं चाइनीज बना रही हूं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, उसकी मां चाइनीज थी। मैं मैक्सिकन बना रही हूं। ओके, पर उसका फादर मैक्सिकन था, यू नो, मल्टी कल्चरल फैमिली। मैं नहीं जा रही कहीं तुम्हारे साथ। That's right, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, you know why? बड़ा सेफ फील करता हूँ यार तुम्हारे साथ। कल तुम्हें मौका मिला, तुमने क्या किया? सुसु। तो फिर चलें, मेरी सेफ्टी और तुम्हारे सुसु के लिए। जगह खूबसूरत है। हाय हाय, यहाँ क्यों बैठ गई? क्योंकि दैट्स व्हाट यू डू इन अ कैफे। या बट व्हेन यू 35 इयर्स ओल्ड। चले कहाँ? ओ किडो, मॉम ने परमिशन नहीं दी। आई एम नॉट अ किडो, आई एम 15। सुबह तो कोई 16 साल का था। 15 years and 10 months. घंटे नहीं गिने, चलें। But me mom मेरा location track कर रही है। ओ, फोन दो। चलो। ये होटल के ओनर है, इनके पास फोन सेफ रहेगा। पॉल भाई, ये फोन चार्ज कर रख दो ना, हम लोग आते हैं। ठीक है? चलो। यार अगर तुम नज़र डेट पे नहीं चलोगी ना, तो फिर हम एस के साथ चला जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? मेरे हिसाब से तुम बहुत गोरी हो। असले असले। बाइक से डर लगता है? नहीं, आई कैन राइड दिस बेबी। चलाने के लिए शायद मुझे भी बैठना पड़ेगा। हाँ, ओके, मैं उतरती हूँ। ओके, बैठो। ये पकड़ो, आई गॉट अ गेट सम स्टफ। वापस यहीं आऊंगा, वेट करना और छूटा मत, किडो। आई एम नॉट अ किडो। यू आर। बच्चों की किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद पल जाते हैं। दैट्स व्हाई आई जस्ट डोंट इंटरफेयर विद देम। बस बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, बाकी सबकी लाइफ में इंटरफेयर करते हो। सिर्फ तुम्हारी ममता का फुहारा। यू नो व्हाई?
बिकॉज़ मैं बहुत सेफ फील करता हूँ तुम्हारे साथ। अब सुसु मत बोला प्लीज। ओह वाओ, ओह यू फील लाइक किसिंग मी नाउ डोंट यू? इट्स ओके, कम ना, चल ना, कम ना, कम ऑन, आना छोटी वाली, छोटी वाली। ओह शिट। वाओ, तो ये टू नाइट स्टैंड बन गई है, लकी यू। वैसे अगर डे थ्री हो जाए ना तो अपने नाम का मंदिर बनवा लीजिएगा। आरी, आरी, नॉट कूल ब्रो। यू नो व्हाट्स नॉट कूल? वी हैव टू स्टे विद यू फॉर 3 months। हे सॉरी सॉरी, आई हेल्प यू विद दैट। पता नहीं तुम्हारा बेटा मेरे बारे में क्या सोचता होगा। वो तुम्हारे बारे में क्यों सोच रहा होगा? I mean, सोच सकता है, but... Oh, you think he's into elder women, don't you? Nice. Seriously, इस वक्त भी तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा था। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? Of course, फर्क पड़ता है यार। देख, आरी को लगता है कि उसका डैड स्टड टाइप का है, थोड़ी अनस्टड टाइप की आंटी के साथ है। मतलब तुम बुरी नहीं हो, तुम अच्छी हो, बट यू जस्ट नॉट माई टाइप। तुम्हारे जैसे लोगों को परमिशन कौन देता है बच्चे पैदा करने के लिए? यार काश किसी ने रोका होता। Oh God, you really? What? अगर चॉइस होती then I would have chosen not to. Oh my God. First crush? निखिल। What? Seriously? पति परमेश्वर तुम्हारा फर्स्ट क्रश? अरे तुम सही में मातेश्वरी निकले यार। मेरी तो इंग्लिश टीचर थी 6th स्टैंडर्ड में। आए हाय हाय, वो स्कर्ट पहनती थी, मैं चॉप फेंकता था। कब बड़ा हो गया समझ में नहीं आया। ओह माय गॉड, यू आर सिक। ओह माय गॉड, यू आर सिक। सीरियसली यार, पति परमेश्वर उसे फर्स्ट क्रश, तुम फेविकॉल हो यार, एक बार चिपक गए तो छोड़ती नहीं हो। डिवोर्स मुझे चाहिए था। रियली, आई एम सो इंप्रेस्ड। आई एम सो इंप्रेस्ड। मेरा डिवोर्स तो हुआ ही नहीं हो। तुम्हारी वाइफ? अरे नहीं यार, तुम सवाल पे सवाल ही पूछती हो क्या? Can't do anything else besides that. There is more to life besides asking questions. समझ रही हो? Really? Mm-hmm. जैसे? जैसे? पिछले बार पूछे बगैर मैंने तुम्हें किस किया था? अब तो मैं चॉइस दे रहा हूं। चलो 16 साल में कुछ तो लिटे एफ लगा। It's awesome, यार. Do your parents know? I don't have parents. मैं पहला कदम कभी नहीं उठाया ना। तो मुझे जज कर रहे हो? नहीं, मैंने बहुत कुछ किया। नो, आई एम नॉट जजिंग यू, बट यू आर लाइक, यू लाइक अ जलेबी। व्हाट? या इट्स लाइक वन लेयर ऑफ गिल्ट, वन मोर लेयर ऑफ लोग क्या कहेंगे, एंड देन वन मोर लेयर ऑफ मोरल प्लीजिंग का तड़का। कुछ भी, आई बेट कि तुम
तुम ना बोरिंग वाली व्हाइट चड्डीज पहनती हो ना? What? यार चेक करते हैं, चेक करें, करें, करें। Don't do it. Okay, fine. Your choice. I also bet कि तुम lights off करके दो मिनट में सेक्स निपटा के उस टाइप की अबला ना रही हो, right? No, you're wrong. I don't think so. तुम अपने आप से डरती हो डरपोक, तुमसे नहीं हो पाएगा। Thought so. एहसास तेरा कुछ इस तरह बढ़ता चला गया, इस शाम की गहराइयों में डूबा चला गया। कुछ इस तरह ये पल हसीन बाट ले, कुछ इस तरह ये जिंदगी काट ले। Tell me what you want, Shiva. कुछ इस तरह ये पल हंसी बांट ले, कुछ इस तरह ये जिंदगी। तुम अभी 16 साल की नहीं हो, नो बियर। लिसन, आई एम सॉरी यार, मैं अपनी बहन से छोटी लड़कियों को किस नहीं करता। मैं तुम्हारी बहन वहन नहीं हूँ। जहान, वैसे यू आर क्यूटर देन माय सिस्टर। बंद क्यों कर रही है? स्टॉप इट। खोलो ना। इसे स्टॉप इट। आई आई हैव टू स्टॉप इट। मॉम तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। अभी बच्ची हो ना तुम। ओके लिसन। टेल मी व्हाट। स्टॉप इट। देखना तुम मुंबई आओगे ना तो मैं तुम्हें हर जगह घुमाऊंगी। वहां का सबसे लिट क्लब है ना पैरन मैंशन। वाज आई ओके? क्या पूछ रही है? तुम लोग यहाँ पे रुके हो? क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मॉम। मॉम। कहाँ हो? हाय मॉम। मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना रही थी। ओ लकी मी। ओ हाय यूडी अंकल। ओके मुझे रिसेप्शन पे जाना है तो मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी, ठीक है? बाय बाय। मॉम्स एवरी आर्न दे
सिखाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक्शंस में दिखती नहीं. मुझे कहा बनो रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट ताकि शी कैन चीट, लाई एंड बी डिसऑनेस्ट. गलती एक्चुअली मेरी है. मॉम तो सिर्फ मुझे सेक्स एजुकेशन दे रही है. मॉम, डैड वाज इन द बेस्ट, सो आपने उन्हें रिप्लेस किया विद अ स्ट्रेंजर नेक्स्ट. तो आप ले लो एक कमरा फॉर टू कल, जी लो अपनी ज़िंदगी की ये पल. मेरे लिए सेट करो नहीं आप एग्जाम्पल. आई थिंक दिस स्टोरी शुड एंड यहीं. सांस तेरा कुछ इस तरह बढ़ता चला गया, तेरी बातों में अजब सा सुकून, दिल भी मुस्कुराने लगा. इस शाम की गहराइयों में डूबा चला गया. कुछ इस तरह ये पल हंसी कुछ इस तरह ये पल हसीन बाट ले कुछ इस तरह.